वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना वायरस और देश में लगे लॉकडाउन के कारण इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां संस्करण 15 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया है और इस समय जैसे हालात है उसे देखते हुए इस समय को आगे भी खिसकाया जा सकता है। दुनिया भर में कोरोना के कारण जैसे हालात है उसके मद्देनजर 7 सप्ताह के इस T20 लीग को पूरे स्वरूप में आगे करा पाना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर काफी व्यस्त है। इस समय दुनिया भर में क्रिकेट गतिविधियां ठप पड़ी हुई है और जब अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर फिर से शुरू होगा तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद देशों की पहली प्रतिबद्धता अंतर्राष्ट्रीय मैचों को पूरा करने की होगी। दरअसल आपको बता दें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को इस वक्त कैलेंडर में जगह निकालने के लिए या तो ICC से आग्रह करना होगा या फिर टूर्नामेंट के आकार को छोटा करना होगा। BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली संकेत दे चुके हैं कि इस बार IPL छोटा हो सकता है, जबकि IPL फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स के मालिक मनोज बदाले का भी मानना है कि इस बार टूर्नामेंट छोटे आकार में हो सकता है। IPL को 29 मार्च से शुरू होना था लेकिन कोरोना वायरस खतरे को देखते हुए इसे 15 अप्रैल तक रोक दिया गया। भारत में इस समय 21 दिन का लॉकडाउन हुआ है जो 14 अप्रैल तक समाप्त हो जाएगा। इसी बीच कोई विदेशी खिलाड़ी भारत नहीं आ सकता और भारतीय खिलाड़ी भी देश में ही कहीं भी यात्रा नहीं कर सकते। वहीं आपको बता दें IPL के 15 अप्रैल के बाद होने की संभावना ना के बराबर है और BCCI को इस अगस्त की अवधि के लिए स्थगित करना पड़ सकता है, लेकिन आगे IPL के लिए समय निकालना टेढ़ी खीर साबित होगी। BCCI इस जून के पहले सप्ताह तक खींच सकता है ताकि इसे पूरे स्वरूप में कराया जा सके, लेकिन इसके लिए उसे सरकारी मंजूरी की जरूरत होगी और ये भी देखना होगा कि हालात पूरी तरह से सामान्य हो जाए। कोरोना के चलते ICC के टेस्ट चैंपियनशिप की सभी सीरीज स्थगित पड़ी हुई है। दरअसल आपको बता दें टेस्ट चैंपियनशिप जुलाई 2019 में शुरू हुई थी और इसका फाइनल जून 2021 में इंग्लैंड की लॉर्ड्स मैदान पर होना है। चैंपियनशिप की सीरीज को मार्च 2021 तक पूरा होना है और तालिका में दो शीर्ष टीमें फाइनल में भिड़ेंगी। हर सीरीज में अधिकतम 120 अंक दांव पर है और 9 टीमों को 6 सीरीज खेलनी है। कुछ टीमें कई सीरीज खेल चुकी है जबकि कुछ टीमों में शुरुआत करनी है। कई सीरीज इस वर्ष आने वाली है। दरअसल आपको बता दें मार्च में श्रीलंका और इंग्लैंड के 2 टेस्ट खेलने थे, जून में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज को 3 टेस्ट, जुलाई अगस्त में इंग्लैंड और पाकिस्तान को 3 टेस्ट, जुलाई में वेस्ट इंडीज और दक्षिण अफ्रीका को 2 टेस्ट, जुलाई में बांग्लादेश और श्रीलंका को 3 टेस्ट और अगस्त में बांग्लादेश और न्यूजीलैंड को 2 टेस्ट खेलने थे। ऐसे व्यस्त कैलेंडर में IPL के लिए जगह निकाल पाना काफी मुश्किल काम होगा। सबसे बड़ा सवाल तो विदेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता को लेकर होगा। फ्रेंचाइजी टीमें IPL में हर हाल में विदेशी खिलाड़ियों को चाहती है क्योंकि उनके बिना टूर्नामेंट का सारा आकर्षण समाप्त हो जाएगा। राजस्थान रॉयल्स के मालिक मनोज बादले का मानना है कि टूर्नामेंट हो सकता है लेकिन इसका आकार छोटा हो जाएगा और ये सब कुछ BCCI और अन्य क्रिकेट बोर्डों के बीच सहयोग पर निर्भर करेगा। वहीं आपको बता दें ब्रिटेन में रहने वाले बादले ने कहा, मैं चाहूंगा कि इस वर्ष किसी भी रूप में IPL का आयोजन हो, चाहे या सिर्फ भारतीय खिलाड़ी के बीच ही क्यों ना खेला जाए। यदि विदेशी खिलाड़ी इस बार नहीं आ पाते हैं, लेकिन अभी ये कह पाना मुश्किल है कि इस बार इसका आयोजन हो पाता है या नहीं। BCCI अपने सबसे बड़े टूर्नामेंट को लेकर असमंजस में है। ये पूरा टूर्नामेंट होता है या छोटे आकार में होता है, विदेशी खिलाड़ी के साथ होता है या विदेशी खिलाड़ियों के बिना होता है, ये तो समय बताएगा। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।